आपने टिक्की तो बहुत खाई होगी, लेकिन यहाँ पर जो टिक्की मिल रही है ना छोलों के साथ, वो भी पुराने तरीके से, पुराने जमाने की तरीके मिल रही है, क्योंकि ये सर्व करते हैं पत्तल में टिक्की, और सर्व करने का तरीका भी अलग है और बनाने का भी तरीका अलग है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये है छोले और टिक्की का, बहुत ही यूनिक। और ये जो आप मटकियां देख रहे हैं ना, इसमें चटनियां रखी हुई हैं। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि डब्बों के अंदर चटनियां रखी होती है, लेकिन इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इनको मटके में रखा गया है। और दिन में यहाँ पर मिलते हैं आपको छोले कुलचे 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक यहाँ मिलते हैं क्रिस्पी वाली टिक्की विद छोले, वो भी पत्तल में, जो पुराने जमाने में हम लोग खाया करते थे। तो आइए अंकल से थोड़ी सी बात करते हैं और लगवाते हैं यहाँ की फेमस छोले टिक्की। तो अंकल जी, ये जो सेटअप लगाया है, पहले तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो ये मटकों में जो आपने चटनी रखी हुई है, इसमें इसके मटके की दही सौंठ चटनी खाने से टेस्ट आता है। अच्छा, और एक ही अनुभव होता है वो है। अच्छा, बढ़िया लगती है। अच्छा, बढ़िया लगती है। तो आप तो काफी पुराने लग रहे हो, जैसे आप पत्तल में टिक्की दे रहे हो, आप भी पुराने। तो कितना टाइम हो गया आपको खिलाते? अभी हमें यहाँ पे 1 महीना हुआ, लेकिन इससे पहले हम अस्ताल रोड शनि बाजार पे थे। अच्छा, बाजार में रेडी लगाते थे? जी जी जी। अच्छा, और यहाँ पर अब आप दुकान में ये सब खिला रहे हैं? जी जी। और आपने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है गुप्ता जी छोले कुलचे वाले, तो दिन में आप छोले कुलचे खिलाते हैं? दिन में सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक छोले कुलचे होते हैं फ्राई वाले। अच्छा, उसमें मक्खन पनीर वगैरह सब होता है। और 4 बजे के बाद फिर ये टिक्की चालू करते हैं 10 बजे तक, ये छोले वाली टिक्की होती है। अच्छा जी। अच्छा, तो लगा दीजिए अंकल पत्तल। और जो लोग देख रहे हैं ना, वो भी अब देखना कि पत्तल में अंकल टिक्की लगाते कैसे हैं। तो ये बड़े से तवे पे टिक्की मतलब फ्राई हो रही है, और यहाँ पर ना मतलब सेटअप ना बड़ा यूनिक और पुराना जमाना याद आ जाता है, जैसे पुराने जमाने में हम लोग खाया करते थे। और सब हर जगह ना प्लेट्स में मिलती है एक्चुअली ये चीज, लेकिन यहाँ पर पत्तल में मिल रही है, जो भी बड़ी यूनिक है। तो आइए देखते हैं कि अंकल इसमें डालते क्या क्या है, कौन कौन से मसाले ऐड करेंगे और बनती कैसे, और प्राइस कहाँ से शुरू है टिक्की का अंकल? प्राइस जी 50 रुपए से स्टार्ट होता है। प्लेट वन, एक दो टिक्की की प्लेट 50 रुपए की होती है, और अगर अलग अलग लेना चाहें तो दो प्लेट 100 रुपए की होती है। उसमें एक प्लेट में 2 टिक्की होती है छोले के साथ। सही है जी। तो अब हम देखने वाले हैं पत्तल में टिक्की लगती कैसे है। तो ये हो गई है क्रिस्पी जी। अच्छा जी, अब लगा दो पत्तल। और अगर मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो वो है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन। तो ये आ गया है पत्तल, अंकल ने डाल दिए इसमें क्रिस्पी करके टिक्की। ये कौन सा मसाला है? चाट मसाला होता है। अच्छा, ये चाट मसाला है। ये मीनार मसाला होता है। अच्छा जी। ये हमारी पीली मिर्च होती है। पीली मिर्च होती है। तो ये मटके देख रहे हैं आप, इसमें से आप चटनी में डालेंगे? इसमें दही होती है, इसमें सौंठ होती है, इसमें चटनी होती है पुदीने की। अच्छा, पुदीना चटनी होती है। अच्छा, डालिए डालो। अच्छा, तो छोले आएंगे सबसे पहले, तो वहाँ अंकल ने ना छोले रखे हुए हैं परात में, तो वहाँ से अंकल ने डाल दिए गरम गरम छोले, तो वो आप देख रहे हैं उठता हुआ। और ये आ गई ग्रीन वाली चटनी जी। और ये सौंठ लाल वाली जी, लाल वाली। अच्छा, और ऊपर से आ गया अब ये दही। तो ये पत्तल तैयार है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर से आप प्याज भी डलवा सकते हैं अगर आपको टेस्ट करना है। तो ये लग गई है पत्तल वाली टिक्की। तो पहले तो आप ये देख लो पत्तल, कितना बड़ा पत्तल है, और ये मिलने वाला है सिर्फ 50 रुपए का आपको। और इसमें होने वाली है क्रिस्पी वाली 2 टिक्की, ऊपर से इतनी सारी जो भी चटनियां और मसाले डाले हैं। और अंकल ने कुछ नहीं बता बोला हमें कि कोई सीक्रेट मसाला डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब हाथ का कमाल होता है बनाने वाले का। तो ये है, ये देखो, देख रहे हो गरम गरम बिल्कुल। सर्दियों में ना बड़ी बहुत क्रेविंग हो जाती है गरम गरम कुछ ऐसी क्रिस्पी चीज खाने की, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी टेस्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है। और जो लोग टिक्की लवर है ना, मोस्टली वो ना क्रिस्पी वाली टिक्की खाना पसंद करते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि करारी करी है, बहुत अच्छे से तवे पे टिक्की निकले हैं, और इतनी हाइजीन तरीके से इसको मेंटेन किया गया ना। गुप्ता जी चाट भंडार के नाम से ये दुकान है, जो पहले रेडी लगाते थे शनि बाजार में, और अब यहाँ पर दुकान पे खिला रहे हैं छोले कुलचे भी दिन के टाइम, और शाम के टाइम आपको यहाँ पे टिक्की छोले मिलेंगे, जो कि बहुत ही यमी है। अगर आपको क्रेविंग हो रही हो इस तरीके की पत्तल में टिक्की खाने की, वो भी जो सिर्फ मात्र 50 रुपए में मिलने वाली है आपको,
तो कहाँ आना पड़ेगा आपको, उसके लिए आना पड़ेगा उत्तम नगर मिलाप नगर वाले मेन रोड पे ही दुकान है, इतनी हाईलाइट कर रखी है, सामने साई मोबाइल वर्ल्ड है, उसके साथ जो अपोजिट ही ना आपको नजर आ जाएंगे ये गुप्ता जी कुलचे वाले चाट भंडार गुप्ता जी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे कर दो, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो जो बेस्ट दिल्ली में रहते हैं और उन्हें शौक है अच्छी अच्छी चीजें क्रिस्पी क्रिस्पी कुकी खाने का और ऐसी चीजें पत्थर में पुराने तरीके से खाने का, उन्हें जरूर शेयर करना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।